नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज कॉज पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में। क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं और कुछ ऐसी शर्तें हैं जिन्हें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इस पॉलिसी के स्मूथ क्लेम के लिए। साथियों, अगर हम इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमें क्लेम करने में प्रॉब्लम आ सकती है। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको इन सब शर्तों और नियमों के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके इस योजना के बारे में। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस योजना में हम 330 रुपये सालाना भरते हैं और 2 लाख तक का बीमा हमें सरकार देती है। यह पैसा ECS के जरिए आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। साथियों, इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड अपने अकाउंट से लिंक करना जरूरी है। इस योजना में आपकी एज 18 से 50 वर्ष तक होनी चाहिए। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं उन ध्यान देने योग्य बातों के बारे में जो इस योजना में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक अकाउंट के बारे में। अगर आपके कई सारे बैंक अकाउंट हैं और आपने सब बैंक अकाउंट से इस योजना को लिया हुआ है तो साथियों, आप इस योजना को क्लेम नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, आप सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट की योजना को क्लेम कर सकते हैं, बाकी सारी जो योजनाएं आपने ली होंगी उनको आप क्लेम नहीं कर सकते, तो आपको एक ही योजना का बेनिफिट मिल पाएगा। साथियों, अगर आपकी पॉलिसी कंटिन्यू है और इस दौरान आपकी एज 55 साल से ऊपर हो जाती है तो साथियों, आप इस योजना का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। यह भी इस योजना का एक नियम है। अगर आपने पॉलिसी ले रखी है और पॉलिसी की रेंज 1 जून से 31 मई तक होती है, लेकिन अगर आपने 1 जून को प्रीमियम जमा नहीं कराया तो भी आप इस पॉलिसी का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जिस तारीख को आप प्रीमियम जमा कराते हैं उससे लेकर 31 मई तक आपका प्रीमियम वैलिड होता है और 1 जून को आपको प्रीमियम रिन्यू कराना होता है जो आपके अकाउंट से कट जाता है। किसी कारणवश अगर वह नहीं कट पाता तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है और जिस डेट को आप प्रीमियम जमा कराते हैं उस डेट से आपका पॉलिसी शुरू होता है 31 मई तक। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस डेट को प्रीमियम भरना है उस डेट को आप प्रीमियम जरूर भरें। यह एक टर्म प्लान है जिसमें आपको मृत्यु के बाद, किसी कारणवश भी आपकी मृत्यु होती है उसके बाद 2 लाख रुपए तक का कवर बेनिफिट मिलता है। साथियों, जो आप प्रीमियम भरते हैं उसके बाद आपको कोई मैच्योरिटी अमाउंट नहीं दिया जाता। साथियों, जो भी प्रीमियम आपने जमा कराया होता है उसका बेनिफिट आपको 80C के अंडर मिलता है। अगर आप फॉर्म 15 नहीं भर पाते हैं तो आपका जो इंश्योरेंस क्लेम होता है वो टैक्सेबल हो जाता है। 1 लाख तक आपको टैक्स नहीं लगेगा आपके इंश्योरेंस क्लेम पे, लेकिन 1 लाख से ऊपर जो अमाउंट है उस पर आपको 2% टैक्स देना पड़ेगा। साथियों, एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से यह योजना शुरू हुई है तब से लेकर अब तक लगभग 5 साल में 6 करोड़ लोग इस योजना को ले चुके हैं। जी हाँ साथियों, अभी तक 1,45,000 क्लेम इसमें रजिस्टर हुए हैं, जिसमें से 1,40,000 के आसपास क्लेम हमारे सेटल हो चुके हैं। साथियों, इस योजना का क्लेम प्रोसेस बहुत ही आसान है। अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनका अगर आप ध्यान रखें तो आपको क्लेम करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस योजना का लाभ उठाइए और अगर आपका कोई सवाल इस योजना के तहत आता है या आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, हम आपके सवाल का जवाब अवश्य देंगे। साथियों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।